टुडे वी आर गोइंग टू टेक द नॉलेज ऑफ क्रिसॉल्स नेपथॉल्स इटीसी. व्हाट आर क्रिसॉल्स? क्रिसॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ टॉलमी. एंड व्हाट आर नेपथॉल्स? दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलीन. सो वी कम टू क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स एंड इट्स यूजेस. क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी. एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसमें हम परसेंटेज निकालते हैं, तो दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. हियर वी आर गोइंग टू रीड क्वालिटेटिव. तो क्वालिटेटिव से है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण फिनॉल कोई विशेष टेस्ट दे, उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फिनॉल्स, फेरिक क्लोराइड टेस्ट. देखिए फेरिक क्लोराइड, यहां पर हम न्यूट्रल एफिशियल थ्री यूज करते हैं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल एफिशियल थ्री? ये मैं थोड़ा सा समझा दूं. कभी कभी एग्जामिनर जब हम प्रैक्टिकल लेने जाते हैं और वहां पर हम बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रल एफिशियल थ्री, तो वो बता नहीं पाते. तो मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रल एफिशियल थ्री क्या होता है. देखिए न्यूट्रल एफिशियल थ्री, अगर आप एफिशियल थ्री के बारे में जाने तो ऑन हाइड्रोलाइसिस इज इट्स सॉल्यूशन विल बी एसिडिक. क्यों होगा एसिडिक? FeCl3 रिवर्सिबल Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl1 नेगेटिव. और यहां पर 3H2O ले, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने वाटर मॉलिक्यूल ले लो, तो यहां आ जाएगा 3OH नेगेटिव और प्लस 3H पॉजिटिव. ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये बनेगा FeOH होल थ्राइस और ये बन जाएगा 3HCl. दिस इज वीक वीक बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. दिस इज वीक बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. सो रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक. वी वांट टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड, तो क्या करेंगे हम? FeCl3 लो, जिसकी की नेचर क्या है, थोड़ी सी एसिडिक है, तो वी एड NH4OH इन इट ड्रॉप बाई ड्रॉप. हम इसमें NH4OH मिलाएंगे ड्रॉप बाई ड्रॉप, विच इज वीकली बेसिक, सो इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ HCl. जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा तब तक कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा. जैसे ही वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा कंप्लीटली, तो क्या आएगा? ब्राउन कलर का FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट आएगा. उसे हिलाएंगे, अब वो घुलेगा नहीं. मींस यू हैव न्यूट्रलाइज्ड द FeCl3. नाउ फिल्टर दिस सॉल्यूशन. जो प्रेसिपिटेट था FeOH होल थ्राइस का ब्राउन कलर का, वो तो एज ए रेजिड्यू फिल्टर पेपर पर रह जाएगा और जो नीचे छन करके आएगा दैट इज न्यूट्रल FeCl3. अब ये क्या करता है? अगर हम फिनॉल्स में जितनी भी फिनॉल है उनमें न्यूट्रल FeCl3 की कुछ बूंदे मिलाएं, तो या तो वॉयलेट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू रेड कलर, कई तरह के कलर आ सकते. तो कलरेशन होने पर ही समझ लीजिए कि आपका फिनॉल मौजूद है. ठीक है जी. तो न्यूट्रल FeCl3 वाला अब मैं आपको बता रहा हूं. कंपाउंड्स विद ए फिनॉल ग्रुप. फिनॉल ग्रुप कौन सा होता है? जो बेंजीन रिंग से सीधे सीधे OH जुड़ा होता है, ये फिनॉल ग्रुप होता है. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन विल फॉर्म ए ब्लू वायलेट पर्पल ग्रीन और रेड ब्राउन कलर अपॉन एडिशन ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड. न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड अभी मैंने आपको बताया, तो वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड मिलाने पर अगर कलर ब्लू आए, वॉयलेट, पर्पल, ग्रीन और रेड ब्राउन, देन फिनॉल इज देयर. ठीक है जी. दिस रिएक्शन कैन बी यूज एज ए टेस्ट फॉर फिनॉल ग्रुप. इससे फिनॉल ग्रुप का टेस्ट होता है. आयरन थर्ड क्लोराइड, FeCl3 हो गया ना, आयरन थर्ड क्लोराइड
जिसे हम फेरिक क्लोराइड कहते हैं, टेस्ट फॉर वाटर सॉल्युबल फिनॉल। जो वाटर में सॉल्युबल फिनॉल हैं, उनके लिए तो हम न्यूट्रल एफिशिएंसी सॉल्यूशन का टेस्ट ले लेते हैं। एक टेस्ट और भी ले सकते हैं, वो मैं आपको अलग से बता रहा हूं। अगर आप फिनॉल में, ये ध्यान से समझना, फिनॉल में 3Br2 यानी ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे, यहां वाटर लिखना, ब्रोमीन वाटर है, तो यू विल गेट ए व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये भी एक टेस्ट है फिनॉल का। प्लस 3HBr, इससे बढ़िया टेस्ट नहीं, तुरंत कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत टेस्ट आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा कि क्या है 2.4.6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ये ट्राई ब्रोमो फिनॉल का व्हाइट पीपीटी आएगा, व्हाइट पीपीटी, यू विल गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है जी, तो आयरन थर्ड क्लोराइड टेस्ट फॉर वाटर सॉल्युबल फिनॉल। इसके बाद आता है जी रिएक्शन क्या है। अब रिएक्शन देखें, इस रिएक्शन को अगर देखना चाहें तो ये है ER यानी एरिल ग्रुप है बेंजीनिक, जिसे फिनाइल भी कहते हैं, या C6H5 ले सकते हैं आप, 3C6H5OH फिनॉल के तीन मॉलिक्यूल प्लस FeCl3, तो क्या बन गया Fe और OC6H5 होल थ्राइस और प्लस 3HCl। एक रिएक्शन तो ये, एक और रिएक्शन बनती है, इसमें क्या लेते हैं हम 6C6H5OH प्लस FeCl3 इज इक्वल टू FeOC6H5 होल 6 3 नेगेटिव और इससे प्लस 3H पॉजिटिव, ये न्यूट्रल हो गया। अच्छा जी, फिर क्या हो गया, और प्लस 3HCl ये बन जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिव्स वायलेट ग्रीन पर्पल और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो ये है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्रोसीजर, द आयरन थर्ड क्लोराइड टेस्ट फॉर फिनॉल इज नॉट कंप्लीटली रिलायबल फॉर एसिडिक फिनॉल्स बट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय डिसॉल्विंग, कैसे करते हैं, 15 मिलीग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, जो फिनॉल टाइप का जो भी कंपाउंड है उसका बहुत थोड़ी मात्रा 15 मिलीग्राम लें इन 0.5 मिलीलीटर वाटर, वाटर सॉल्युबल है और वाटर एल्कोहल मिक्सचर, या तो वाटर में डिसॉल्कोहल हो या वाटर एल्कोहल में, वाटर और एल्कोहल भी आपस में पूरी तरह से मिशिबल होते हैं, एंड एडेड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ 1% एक्वस आयरन क्लोराइड सॉल्यूशन, जो अभी हमने एफिशिएंसी मिलाया था, तो उस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा जो कलर देगा सॉल्यूशन को। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन में रेड ब्लू ग्रीन और पर्पल कलर ऑब्जर्व, देन यू मे से द अननोन कंपाउंड इज फिनॉल और हैविंग फिनॉलिक ग्रुप, यानी बेंजीन से सीधे सीधे OH जुड़ा है। ठीक है जी, आयरन थर्ड क्लोराइड पाइरीडीन टेस्ट फॉर वाटर इनसॉल्युबल फिनॉल्स। अब कुछ फिनॉल ऐसी भी होती हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, तो उनके लिए FeCl3 के बजाय FeCl3 पाइरीडीन टेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि पाइरीडीन एक सॉल्वेंट का काम करेगा, FeCl3 में तो नहीं घुलता, पाइरीडीन में ये कंपाउंड घुल जाएगा और फिर FeCl3 उसे कलर देगा। प्रोसीजर, फॉर वाटर इनसॉल्युबल फिनॉल्स और लेस रिएक्टिव फिनॉल्स, ए मोर सेंसिटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्विंग और सस्पेंडिंग, यहां पे भी 15 मिलीग्राम मिल गया, 15 मिलीग्राम ऑफ द अननोन कंपाउंड इन 0.5 मिलीलीटर ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड इसे कहते हैं, देखिए एक होता है मिथाइल क्लोराइड CH3CH, ये मिथाइलीन क्लोराइड यानी एक एच और हट गया, और कह सकते हैं इसे डाइक्लोरोमेथेन, इट इज जस्ट लाइक ए सॉल्वेंट,
and adding 3 to 5 drops of 1% solution of ferric chloride. तो क्या है? इन मिथाइलिन क्लोराइड एड ए ड्रॉप ऑफ पाइरीडीन एंड स्टाइल. पाइरीडीन भी मिला है. पाइरीडीन आप जानते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए सॉल्वेंट. ये पाइरीडीन होता है, ये भी यहां सॉल्वेंट का काम करेगा. ठीक है जी. तो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन, एडिशन ऑफ पाइरीडीन स्टाइलिंग और उन्हें हिलाए से इस तरह से will produce a color if phenol or enols are present. Enol क्या होते हैं? Double bond हो ये और OH जुड़ जाए, ये enol कहलाते हैं. In or all, enols या phenols में ये आपका test जरूर आएगा. Uses of phenols. अब phenol आप जानते हैं, जैसे phenyl का पोचा लगवा दो जी घर में, तो वो phenyl ही phenol है. ये फिनाइल ही फिनोल. और इसको कल मैंने बताया भी था, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं. कार्बोलिक एसिड और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को पिक्रिक एसिड कहा जाता है. ये कल आप देखना, कल हमने बताया था उसको, अगर आपने पढ़ा हो तो. ये अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द टोटल फिनोल प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइज इज यूज्ड टू प्रिपेयर रिएजेंट. बहुत से रिएजेंट इससे बनते हैं इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जैसे आपने पढ़ा होगा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, एक नोवोलेक होता है और एक होता है बेकेलाइट. बेकेलाइट तो 3D स्ट्रक्चर वाला होता है और नोवोलेक आपका 2D होता है, 3D में बेकेलाइट बन जाता है. फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों मिलकर के बनाते हैं. तो इससे बहुत यूजेज इसके. दी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मल्डिहाइड, आप यहां देखिए, इज यूज्ड टू कमर्शियली प्रिपेयर फिनोलिक रेजिंस जस्ट लाइक बेकेलाइट और नोवोलेक. एंड कर दो, एंड नोवोलेक भी रेजिन ही है जो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है. इस तरह से स्टेट चेंज बनता है. Phenol is also used in study and extraction of biomolecules. Biomolecules के study और extraction में, निकालने में भी काम आता. Molecular biology finds application of phenol in extraction of nucleic acid. Nucleic acid तो पढ़े होंगे आपने, DNA, RNA. These are nucleic acid, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. उनके extraction में भी इसका काम यूज होता है फिनोल का. फ्रॉम टिश्यू सैंपल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कहते हैं ना साहब डीएनए टेस्ट कराइए, इसका डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा, क्योंकि हेरिडिटी फैक्टर डीएनए के कारण ही बच्चों में जाती है माता पिता से. फिनोल इज ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सनस्क्रीन, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स एंड हेयर कलरिंग सॉल्यूशन. ये सब चीजें फिनोल से बन जाती है. स्टार्टिंग मटेरियल फिनोल होगा, आपने देखा होगा फिनोल से वो भी बनता है फिनोक्सिलिन इंडिकेटर. व्हेन थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड SO4 वी गेट फिनोक्सिलिन विच इज इंडिकेटर एंड गिव्स कलर, पिंक कलर इन बेसिक मीडियम. तो वो यूजेस में आप कर सकते हैं. ये तो था हमारा एक वीडियो आज. इसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे इसके और दूसरे हाइड्रोक्सी बेंजीन्स.